शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के 265 मस्जिदों में और 5 ईदगाहों में सुबह 8 से लेकर 10:30 बजे तक लॉकडाउन की वजह से ही ईद की नमाज जमात कलीला के साथ होगी, जिसमें मुस्लिम भाई अपने घरों में रहकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे। अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कदीर खान दारुल कजा महाराष्ट्र ने ऐलान किया है कि 29 का चांद नजर नहीं आया, चांद दिखाई देने का कोई शराई सबूत भी नहीं मिला, लिहाजा सोमवार 25 मई को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज मस्जिदों व ईदगाहों में जमाते कलीला यानी मर्यादित 5 लोग नमाज अदा करेंगे। नमाज का समय सुबह 8 से 10:30 बजे के बीच रहेगा। क्योंकि अब रमजान का आखिरी दिन यानी हमको एक अल्लाह की तरफ से एक मौका और मिल गया है, कल एक रोजा हमें और मिल गया है, मैं इसलिए आप सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि धारा 144 और लॉकडाउन जो लगा हुआ है, जिस तरीके से हम अभी तक पालन कर रहे थे और इस लॉकडाउन के दरमियान जो नमाजें हम घरों के अंदर पढ़ रहे थे, इसी तरीके से अभी भी जब तक ये लॉकडाउन रहता है तब तक हम अपनी नमाजों को भी अपने घरों के अंदर उसी तरीके से अदा करते रहें। इस्लाम में जमात के साथ ही फितरा और जकात का विशेष महत्व है। रमजान में दान के रूप में जो बांटा जाता है उसे फितरा और जकात कहा जाता है। नमाज से पहले फितरा और जकात बांटी जाने वाली है। पवित्र माह रमजान के इस माह में पूरे देशवासी कोरोना वायरस इस भारत से और पूरे विश्व से जल्द से जल्द निकल जाए, यही दुआएं इस पावन मौके पर कर रही हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।